तो हाय गाइस, हम लोग बस पहुंच रहे हैं अभी ढाबा तलोजा का, जिसका नाम है दिल्ली जायका। यहां पर जो है 499 में वीक डेज में मिलता है अनलिमिटेड खाना, और जब आप आएंगे वीक एंड में, जैसे कि अभी हम लोग आए सैटरडे को, तो मिलता है 549 में, और थोड़ा सा जीएसटी भी ऐड होता है, बट वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो 575 पर पर्सन में अनलिमिटेड मिलता है। तो अभी बस हम लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में कि वो ढाबा कैसा दिखता है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये, बरसात के मौसम में और भी खूबसूरत दिख रहा है। अभी अंदर जा रहे हैं, दिल से दिल्ली का खाना। चलिए अंदर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम लोग, दिखने में बहुत खूबसूरत है। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे जो आपको मैंने प्राइस बताया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं जो है अपने फ्रेंड्स के साथ आ चुका हूँ। हम लोग जो है इस वक्त अभी इस ढाबा में हैं, जिसका नाम है दिल्ली जायका, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो मतलब यानी कि आप देख सकते हैं किस तरीके से डेकोरेशन किया गया है। बहुत ही सोबर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मॉडर्न वे में, मतलब इसकी एक फील आ रही है, मॉडर्न जो फील होती है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब यानी कि बहुत ही खूबसूरत एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम लोग जो है टेस्ट करने वाले हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 549 पर पर्सन वाला, जिसको GST मिला के 575 हो जाता है, एंड इट्स फैंटास्टिक। अभी जो चीज़ें आने वाली हैं मैं सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, काफ़ी स्पेशियस है एंड बाहर। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों से जस्ट एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कि मुझसे रिलेटेड है पर्सनल सवाल। वो ये है कि कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आप है ना मतलब अपनी दाढ़ी रखिए, हालांकि मुझे बड़ा बड़ा मतलब उलझन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, बट लोग कह रहे हैं कि दाढ़ी रखनी चाहिए। तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि क्या मैं बियर्ड रखूँ, कुछ स्टाइलिश बियर्ड रखूँ, कुछ और करूँ। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, तो पर्सनल क्वेश्चन था, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमारा जो है ये सूप आ चुका है, इसका नाम क्या भाई, इसका नाम क्या बताया था आपने, लेमन कोरिएंडर। ये लेमन कोरिएंडर स्टार्टर की जो है थाल आ चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत सारी इसमें डिशेज हैं, और देख के लग रहा है कि मतलब इसी को खा के हमारा पूरा पेट भर जाने वाला है, बाकी चीज़ें पता नहीं ट्राई करवाई पाएंगे भी कि नहीं। सो प्लीज़ ज़रा सर्व कीजिए। यस थैंक यू। दिल्ली जायका डिजाइट देखिए लिखा हुआ है, हाँ दे दीजिए सब सब सारी चीज़ें एक एक दे दीजिए, एंड वहाँ पर भी कुछ और स्टार्टर्स वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। राइट ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त। इधर वापस आ जाते हैं अपनी प्लेट पर, एंड हर तरीके का स्टार्टर है, बहुत खूबसूरत है, वाओ ज़बरदस्त। अनलिमिटेड स्टार्टर्स हैं ये सब, इसमें वेज वाली चीज़ें भी, जैसे पाइनएप्पल है एकदम फ्राई किया हुआ सिका हुआ, एंड यहाँ पे ये पनीर पकौड़ा भी है, हर चीज़ है, फ्रेंच फ्राइज भी हैं, एंड सारी चीज़ें सीख कबाब से लेके चिकन एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर, और ये मलाई भी है यहाँ पे, वाओ लुक ही एकदम खतरनाक इसका। तो मंचाओ सूप भी जो कि स्पेशली बोल के बनाया है, तो अगर आप इनसे थोड़ा सा जिद करेंगे तो ये लोग मतलब बना के भी देते हैं। अब्दुल रशीद सर ने करवाया है कि भाई मुझे मंचाओ सूप ही पसंद है, मुझे वही चाहिए। ये जो है चाइनीज वाली राइस भी आ चुकी है, इसका नाम है वन गार्लिक राइस, भाई डाल दीजिए जरा सर्व कर दीजिए, इसमें चिकन पड़ा हुआ होता है, वन गार्लिक राइस, ये चाइनीज आइटम है। आ चुकी है चार तरीके की चीजें, ग्रेवी और करी में, भाई इनका क्या क्या नाम है भाई? चिकन रिजाला, अच्छा ये चिकन रिजाला है, अच्छा, ये पनीर बटर मसाला, अच्छा पनीर बटर मसाला, ये चिकन ऑयस्टर ग्रेवी, और ये दाल, अच्छा ये दाल, थैंक यू, ले लीजिए सर्व कर दीजिए। फाइनली हमारी फिरनी भी जो है आ चुकी है, बस इसको टेस्ट कर रहे हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे जो है, सारी चीज़ें तो अनलिमिटेड हैं, बट ये वाली चीज़ जो है लिमिटेड है, ये जस्ट एक ही मिलेगी पर पर्सन। फिरनी जो है वो खीर की सौतेली बहन है, काफ़ी गाढ़ी होती है और काफ़ी टेस्टी भी होती है, ज़बरदस्त होती है काफ़ी। तो फाइनली थोड़ा सा स्प्राइट भी पी लेते हैं, हम बहुत हो गया यार पूरा, मतलब स्टार्टर्स तो बहुत खा लिया हम लोगों ने, जी भर के खा लिया। हमारे दोस्त लोग जो है खा के बिल्कुल पूरी तरीके से ऐसे हो चुके, पसर चुके हैं, थक गए हैं बिल्कुल, देखिए इनकी हालत देखिए क्या हो चुकी है, मतलब यानी कि बिल्कुल थक गए हैं। खाना खा के इंसान खा के भी थक सकता है, आप इनकी शक्ल देख के बता सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे देखिए वॉश बेसिन का एरिया है, ये भी काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, एंड ये जो है पूरा दस्तरखान का एरिया है। सो दस्तरखान का भाई जरा है क्या अंदर का वीकेंड दिखाने के लिए? हाँ ये देखिए दस्तरखान, आप तो बैठ के भी यहाँ पे खा सकते हैं अगर आप काफ़ी सारे लोग आते हैं तो। ये पूरा दस्तरखान का इलाका है, देखिए ये भी देखिए, कितने कितने लोगों के लिए? आठ लोग के लिए, अच्छा इधर बड़ा भी है, चालू है, अच्छा और भी बड़ा वाला भी है क्या? अच्छा अरे रूम्स ही रूम्स है यार इधर तो, हाँ इधर भी आओ, हाँ ये है ये,
छोटी बड़ी पार्टी हो सकती है। राइट राइट, कम से कम 20 लोग तो बैठ जाएंगे, है ना? 20 लोग बैठ जाएंगे इजीली। बहुत अच्छा, बहुत। तो चलिए भी करते हैं एग्जिट, यहाँ से निकलते हैं। ये देखिए बाहर का इलाका कितना बड़ा है इनका।